मोदी जी एक कहते हैं फकीर हैं हम, मोदी जी के ईश्वरीय, देखिए टीवी चैनल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जर्मनी में कहाँ पर गए तो हथियार लगा कर दे गए सुरक्षा कीजिए, कहते छोड़िए ना हम 600 बाघ में रहे, 6 बरिश तो हमको कोई दिखते नहीं है, तो बताइए वो बाघ आ जाएगा तो पूरा गांव बेचैन हो जाएगा, और बाघ में घूमते हैं तो ईश्वर नहीं है तो कौन चीज़ है? क्या मोदी जी ईश्वर मैंने भगवान के रूप है, उनको देखिए आप भगवान के रूप में देखिए। देखिए वो अदनी चाय बेचने वाला आज तक ले दुनिया में एक नंबर नेता कोई बना है या बरा इंडिया को कोनो पूछता था, कोनो देश पूछता था, कचरी में बिक दिया था इंडिया का विश्व नहीं कचरी में बिक दिया था। अब 7 वर्ष में इंडिया कहाँ गया, क्या अमेरिका को डांट देंगे तो अमेरिका को बात मानना है, रसिया को बात डांट देंगे तो रसिया को बात मानना है, मतलब अपना हिंदुस्तान जो पुल हो गया है अमेरिका और रसिया के बराबर। रसिया के पुतिन जी आए थे तो क्या कहे विश्व शक्ति, जो हथियार इंडिया में है वो विश्व में नहीं है, जो सेक्रेसी है इसलिए वो लोग डर रहा है, अमेरिका जानता है रसिया जानता है। यूपी में योगी ही क्यों आएंगे? इसलिए कि योगी जी वहाँ पर पहलका थी एक नंबर है कि वहाँ औरतों का जितना है लड़कियाँ का चाहे औरतों को योगी जी हैं उनको जानता ही प्रिय है, उनका सब भाई और बहन और बेटा चाहे बाप जानता है, नीतीश कुमार नहीं देखते। जामिया वर्ल्ड इंसाफ की आवाज। हेलो ब्रन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हो, जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण मैनाडर ब्लॉक के मर्जदा बाजार में, जैसे कि हमारे साथ हैं सुरेंद्र प्रसाद उर्फ भगत जो कि एक तरह से 80 वर्षीय हैं और काफ़ी योगी और मोदी के काफ़ी समर्थक हैं, और इनका मानना है कि यूपी में इस बार फिर से योगी आएंगे। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, आप तो बिहार के रहने वाले हैं लेकिन यूपी के राजनीति पे पैनी नज़र पैनी निगाहें बनाए हुए हैं, ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे यूपी में योगी ही क्यों आएंगे? इसलिए कि योगी जी वहाँ पर पहलका थी एक नंबर है कि वहाँ औरतों का जितना है लड़कियाँ का चाहे औरतों को सुरक्षा दिए, अब वो नहीं रहा, इससे पहले सुरक्षा नहीं था। इसके पहले सुरक्षा नहीं था। लेकिन एक और विरोधियों का विपक्षियों का कहना है कि वहाँ पर औरतों का एक तरह से हाथरस कांड हुआ था, हाथरस जिसमें पुलिस ने एक तरह से घर वालों को मिलने नहीं दिया बच्ची का, एक तरह से लाश को शव को और जिंदा एक लिया के जला, मतलब एक तरह से बगैर अंतिम संस्कार की किसी तरह जला दिया, तो ये तो सवाल बनता है, तो बलात्कार जो किए थे उनको एक तरह से सवाल तो बनता है पकड़ने का, उसको जांच करने का सवाल बनता है, मैंने सरकार उस पर विचार करती होगी। अच्छा एक और चीज़ क्या, मतलब आपको योगी और मोदी में क्या मतलब सबसे अच्छा लगता है चीज़? योगी ये अपना अलग है, मोदी जी है तो नेशनल है, वो विश्व लेवल पर है, और योगी जी अभी क्षेत्रीय में है, तो मोदी जी बहुत बड़ा है राजनीति में, अब इन योगी जी अब इन सीख रहे हैं, मैंने 2-3 साल में ही प्रधानमंत्री लायक हो जाएंगे। योगी जी में यही है कि जितना यूपी में गुंडागर्दी और रेप कांड होता था सब योगी जी ख़त्म कर दिए, इसके अलावा योगी जी बहुत इतना फैक्ट्री बैठा रहे हैं, जैसे देखिए हथियार का, जैसे में झांसी में बैठ रहा है, लखनऊ के बगल में बैठ रहा है कई सैकड़ में, फिर भी देखिए पर्यटन के हिसाब से वो अयोध्या में बना रहे हैं, बहुत से बन रहा है यूपी में, क्या उससे तो युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल रहा है, अभी बिहार और यूपी में प्रोटेस्ट हुआ, फैक्ट्री बैठ रहा है उसमें रोजगार तो मिलवे करेगा, आज नहीं मिल जाएगा, फैक्ट्री बनेगी उसमें रोजगार होगा। इसके अलावा युवाओं को जो घर पर है उसको योगी जी चाहे मोदी जी लोन दे रहे हैं, वो रोजगार के लिए दे रहे हैं, मैंने बिहार में यहाँ पर लोन नहीं मिल रहा है, इसलिए कि मैनेजर को यहाँ पर कमीशन चाहिए, जो जिला परिषद में जिला में वे ई कुली कर रहा है लोन दे रहा है उसको कमीशन चाहिए, इसलिए बिहार में जनता को लोन नहीं मिल रहा है, उसी को मिल रहा है जो पैसा देता है। अच्छा एक और है, दो बड़े राज्य हैं यूपी और बिहार, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में क्या आप समानता है, क्या खूबी
और एक तरह से मतलब बेखूबी दिख रहे हैं क्या? जोगी जी हैं, उनको जानता ही प्रिय है, उनका सब भाई और बहन और बेटा चाहे बाप जानता है, नीतीश कुमार का नहीं है, सब किसी के एक नज़र से देखते हैं जोगी जी, नीतीश कुमार नहीं देखते हैं, मैं नहीं है। आज लेख बताइए कि नीतीश बाबू ने ये कंप्लेन कोई कोई कई करवाई हुई छपा मर आई, काला धन देखे पेपर में, काला धन मायाटण में कितना काला धन है, क्यों नहीं छपा मरा रही है? सब नीतीश बाबू में दोष है। एक मुख्यमंत्री अगर चाहेगा, एक प्रधानमंत्री चाहेगा तो भारत में हिल नहीं सकता है, या मुख्यमंत्री चाहेगा तो वो पत्ता नहीं हिल सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश में ही जा, आ रह गया विपक्ष वाले लोग से पूछते हैं, राहुल गांधी जी से पूछते हैं, सोनिया गांधी जी से पूछते हैं, अखिलेश यादव जी से पूछते हैं, तेजस्वी यादव जी से पूछते हैं कि भारत देश सब आदमी का है, देश के हित में बात किया जाता है। विपक्ष होता है कि जो सरकार में रहता है उसको काम कि यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है। मैंने यहाँ पर विपक्ष ने लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराने का फहराया गया, उसमें इन लोग पांचों आदमी ये विरोध क्यों नहीं किया? पांचों आदमी कौन? राहुल गांधी, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एकलव, नीतीश कुमार बाबू, ये लोग विरोध क्यों नहीं किया है? ये लोग हमको जनता को जवाब मांग रही है, आप जनता को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक और है, किसान के बात कर रहे हैं, झंडा का फहराने की बात कर रहे हैं, जो किसानों का प्रदर्शन एक साल तक चला, लेकिन एक और चीज़ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, किसान वो किसान नहीं था, विपक्षी नेता लोग का पार्टी था, इसलिए कि हाँ किसान हिंदुस्तान के किसान लाल किला पर खालिस्तानी झंडा नहीं न फहराएगा, असल किसान लाल किला पर झंडा नहीं फहराएगा, तो इसलिए विपक्ष पार्टी का मुद्दा बनाकर वो किसान के नाम पर कराया गया। असली किसान तो खेतों में है। अच्छा, एक और है, लेकिन ये एक किसान जो यूपी के खीरी में, लक्ष्मीपुर खीरी है जो है, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, कई तरह के लोग मर गए हैं, चार पांच लोग मर गए हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं तो गाड़ी नहीं चढ़ाना चाहिए एक तो तरह। ना ना, ये तो गलत हुआ है। हाँ। ये तो गलत हुआ है। देखिए अभी हुए थे यूपी में जोगी जी का क्या है। हाँ। गरीब औरत मैंने गरीब आदमी को लड़की के शादी में 1,00,000 रुपया, किसान के खेती करने के लिए फ्री बिजली, अकेला में, इसके अलावा जितना औरत में लड़की है उसको स्कूटनी फ्री। बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है? बच्चों को जो हाई स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको आज तक ले छात्रवृत्ति नहीं आया। तो मान रहे हैं कि यूपी में योगी आएंगे फिर इस बार? अरे जोगी जी तो 300 ऊपर आएंगे, 300 ऊपर आएंगे, अब फिर 24 में मोदी जी 400 लेकर आएंगे। लेकिन मतलब आप देख रहे हैं विपक्ष पार्टी तो बड़ा मजबूती के साथ लगी हुई है, बंगाल में जीत गए विपक्षी पार्टी। हाँ, वहाँ पर मोदी जी का गलती है, बंगाल में खुद मोदी जी का गलती है, वो साधु संत आदमी है। अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा कर इलेक्शन होता तो वो बंगाल में ममता बनर्जी नहीं जीतती, इसलिए वो क्राइम और गुंडों के देती से जीत गई है, बदौलत जीत गई है। जो यूपी में होने वाला था, मैंने जोगी जी ऐसा आदमी है कि नहीं होने देते हैं, सब आदमी पकड़ा जाता है, नहीं तो ममता बनर्जी सब गुंडा लेकर यूपी में आई है, ये बात नहीं है, सब पार्टी का गुंडा यूपी में आया है, मैंने जोगी जी हैं वहाँ पर, जोगी जी वो लोग के नहीं करने देंगे। लेकिन ऊपर एक तरह से मतलब आरोप लगता है वो एक तरफा मतलब की कार्रवाई करते, खास विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। ये बताइए कौन जी है नाम में, ये जो बाबा जी थे, ना ना का नाम था उसका जो काउंटर हुआ, अच्छा विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, वो कौना आदमी को नहीं काउंटर किए, मैंने नहीं वो टारगेट किए हैं। अगर हम चोरी करते हैं
तो हमको जोगी जी पकड़बे करेंगे, जो क्राइम करेगा वो जोगी जी पकड़बे करेंगे, जो काला धन रहेगा ये कन्नौज में क्या हुआ कानपुर में एक एक कम का था, जो काला धन वो यति करेगा उसको तो पकड़ा ही होगा। कानून एक जात का एक यति का कोई भेदभाव नहीं रखते, जो रखेगा वो तो पकड़बे करेगा। तो ये थे जो बुजुर्ग हैं वो काफ़ी एक तरह से एक्सपीरियंस रखते हैं, और जिस तरह से यूपी में जो इलेक्शन हो रहा है, कल भी फर्स्ट फेज का जो वोट पड़ने वाला है, तो उनसे एक तरह से मुखर अंदाज में बात हुआ, उन्होंने रखा एक तरह से अपनी बातों का रखा कि एक तरह से मोदी और योगी के फैन भी हैं, उनकी कार्यकलाप जो मोदी और योगी का हो रहा है उनका एक तरह से गुणगान कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है, महंगाई तो बढ़ रहा है केंद्र में हो या राज्य में, इसको क्या कहेंगे? देखिए महंगाई तो बढ़बे करेगा, अब महंगाई कहाँ बढ़ रहा है, महंगाई कहने का है? देखिए हमारे गांव की बात है, मारटाड़ में सगरों गांव की बात कर रहे हैं हम अपने, जिसके पास एक धुर जमीन नहीं है उसके हाथ में बच्चा का 10,000 का मोबाइल है। हमारे गांव में 80% जमीन नहीं है, लगभग 200 मोटरसाइकिल है, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई रहती तो खाने बिना आदमी मर जाता, 7 रुपया मन धान बिकाया था उस समय महंगाई था, आज महंगाई नहीं है। 110 रुपया लीटर हो गया पेट्रोल। हम तो चाहते हैं कि 200 रुपया लीटर हो जाए। क्यों? इसलिए को हम लोगों को रोड पर चलने में तकलीफ हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, फिर भी 200 रुपया हो जाएगा तो हमारे गांव में 400 और मोटरसाइकिल हो जाएगा। मतलब नहीं समझे, कैसे हो सकता है 400 मोटरसाइकिल? इसलिए कि आमदनी है, आमदनी नहीं होता तो लोग मोटरसाइकिल क्यों खरीदते? 10,000 के बदला में 20,000 के मोबाइल क्यों परिवर्तन करते? ये विपक्षी के काम है महंगाई, महंगाई रहता तो ये बताइएगा, जिसके पास जिसके पास एको दूर जमीन नहीं है उसके परिवार में 5 गो 6 गो 20,000 के 1,00,000 के मोबाइल कहाँ से आता? उसके पास मोटरसाइकिल कहाँ से आता? महंगाई कहाँ? लेकिन विपक्षी पार्टी कहते हैं, अरे विपक्षी पार्टी की मुद्दा है, 70 वर्ष में वो लोग क्या किए? वो लोग पहले जवाब दे जनता को, जब प्रधानमंत्री ज्वाइन किए, प्रधानमंत्री पद के पर ज्वाइन किए तो 2 दिन का लड़ाई का सामान नहीं था भारत में, आज विश्व में 40,000 करोड़ का मिसाइल सप्लाई हो रहा है। लेकिन गलवान जो घाटी है उस चाइना वहाँ पर नेहरू का देन है, छड़प हुआ, हाँ वो तो चाइना स्काई चीन ये सब नेहरू बाबू के देन है। हाँ वो तो कल बोले हैं संसद में, पूरा कांग्रेसी पर बोले हैं, एक बाइक एक समूचा गिनाए हैं। अरे मेन चीज है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी भारत के नहीं है, इटली का है, जो भारत का है वो दुख दर्द जानता है भारत के बारे में, इटली का रहने वाला क्या दुख समझेगा? लेकिन गलवान घाटी में तो इंडिया और चाइना में जो झड़प हुआ उसमें अपने बताया जा रहा है कि मीडिया जो रिपोर्ट से इंडिया के फौज भी शहीद हुआ, लेकिन मोदी जी एक्सेप्ट नहीं किए, स्वीकारे नहीं है? नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं। अब इन काल के न्यूज़ सुनिए, स्काई चीन अग्वाल जो 32,000 वर्ग किलोमीटर है, मोदी जी कहे कि हमको सौंप दो, पाकिस्तान के पीओ है, बलिस्तान है, वो पाकिस्तान देने जा रहा है। आप न्यूज में भी सुने होंगे कैसे वो अपने इंडिया से अपना डर के देने जा रहा है कि मोदी जी ले। देखिए हक की बात है, हमारा जमीन आप कैसे ले सकते हैं? इतने नेहरू ने दान दे दिया चीन को और पाकिस्तान को, ये कहें कि हमारा जमीन चाहिए तो मिल रहा है। अच्छा एक और चीज बताइए, जो कश्मीर में 370 जो मतलब मोदी सरकार जो हटा दी है, क्या ठीक की है? बहुत बढ़िया किए हैं। देखिए वहाँ पर चाहे मुसलमान जाति हो चाहे हिंदू जाति हो, इन भारत का इन लोगों का वहाँ पर शादी नहीं होगी, अब पाकिस्तान के आएगा तो वहाँ पर शादी हो जाएगी, ये कोई कानून नहीं। भारत में रहने वाला शादी नहीं होगा, पाकिस्तान से आने वाला को शादी हो जाएगा, ये कहाँ का कानून है? वहाँ पर अब घर घराड़ी भी, हाँ सब किसी को मिलेगा, जो जाति है हर जाति को मिलेगा। लेकिन एक तरह से वहाँ से स्पेशल स्टेटस जो मतलब 370 का जो एक विशेष दर्जा था वो हटा लिया गया, लेकिन नागालैंड को
एक तरह से विशेष दर्जा दे दिया गया, वहाँ पर एक अलग मतलब झंडा दे दिया गया, जो कि कश्मीर का एक तरह से झंडा था, इंडिया का भी झंडा लगाया जाता था, लेकिन ऐसा क्यों कि कश्मीर से हटाकर नागालैंड को भी दे दिया? देखिए, पार्ट बाय पार्ट मोदी जी सब करेंगे, एक के हाली चारों ओर नहीं करेंगे, वो भी मुद्दा हल होगा, हर मुद्दा का हल कर कर वो संन्यास ले लेंगे। मोदी जी एक कहते हैं फकीर हैं हम, मोदी जी के ईश्वरीय, देखिए टीवी चैनल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जर्मनी में कहाँ पर गए तो हथियार लगाकर दे गए सुरक्षा कीजिए, कहते छोड़िए ना हम 600 बाघ में रहे, 6 बरिश तो हमको कोई दिखते नहीं है, तो ये बताइए वो बाघ आ जाएगा तो पूरा गांव बेचैन हो जाएगा, और बाघ में घूमते हैं तो ईश्वर नहीं है तो कौन चीज है? क्या मोदी जी ईश्वर मैंने भगवान का रूप है, उनको देखिए आप भगवान के रूप में देखिए। देखिए वो अग्नि चाय बेचने वाला आज तक ले दुनिया में एक नंबर नेता कोई बना है? या बरा इंडिया को कोनो पूछता था, कोनो देश पूछता था, कचरी में बिक दिया था इंडिया का विश्व, कचरी में बिक दिया था। अब 7 बरस में इंडिया कहाँ गया? क्या बेरा अमेरिका को डांट देंगे तो अमेरिका को बात मानना है, रसिया को बात डांट देंगे तो रसिया को बात मानना है, मतलब अपना हिंदुस्तान जो पावरफुल हो गया है अमेरिका और रशिया के बराबर। रशिया के पुतिन जी आए थे तो क्या कहे, विश्व शक्ति, जो हथियार इंडिया में है वो विश्व में नहीं है, जो सेक्रेसी है, इसलिए वो लोग डर रहा है, अमेरिका जानता है, रशिया जानता है। अच्छा एक और, कोई भी चुनाव होता है उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, वो क्या ठीक है क्या, मतलब नहीं लेना चाहिए? देखिए ना राजनीति ना तूने, हाँ। ये बताइए आप घर घर चोरी करिएगा तो आपका नाम फैजा में आगे रहेगा कि नहीं? पाकिस्तान हरदम आतंकवादी भेजेगा, ये कोई बढ़िया काम है? क्या कहे थे राजा एथी में गुजरात में नरेंद्र मोदी जी, जब 5 महीना हो गया था प्रधानमंत्री बने, कहे इमरान खान तुमको लड़ना है तो कंपटीशन विकास में लड़ो, तुम कितना रोजगार दे रहा है हम कितना रोजगार दे रहा है इस पर लड़ो, कोई गलती काम किए थे? हम आन क्योंकि बच्चा को हम भेज कर आतंकवादी में मरवा रहे हैं, ये कोई अच्छा काम है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कहीं ना कहीं बिहार के लोग काफ़ी एक तरह से पॉलिटिकली तौर पर, सोशली तौर पर काफ़ी एक्टिव होते हैं, देश दुनिया के तमाम खबर रखते हैं। ये बुज़ुर्ग हैं जो कि सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा उर्फ भगत जी हैं, जो कि देखिए इनके पास एक तरह से न्यूज़पेपर है, बखूबी हर रोज़ एक दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और इनके पास नॉलेज होती है गांव से लेकर देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही है, और स्पेशली जो फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति है उस पर भी नज़र रखते हैं, चौक चौराहा पर इस तरह से बातें होती है। तो कहीं ना कहीं इनसे बहुत ही एक तरह से बात हुई है कि मोदी योगी के लेकर, और स्पेशली जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसके लेकर इनका कहना है कि इस बार भी फिर से योगी ही आएंगे और 2024 में मोदी ही देश में आएंगे। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, मैं मोहम्मद तस्लीम बिहार के चंपारण मर्जदवा बाजार से।